फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्नोविडी। पिछले इसमें मैंने आपको बताया था कि naukri.com ऐप पे जॉब कैसे सर्च करना है और अपना अकाउंट कैसे बनाना है। तो उसमें मैंने आपको ये नहीं बताया था कि रिज्यूम कैसे और कहाँ से आप बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो मैंने आज एक ऐप ढूंढी है, उसका नाम है इंटेलिजेंट CV। उसमें से आप बिना नेट के भी आपका रिज्यूम क्रिएट कर सकते हो। बहुत बहुत वेराइटी में आपको रिज्यूम के ऑप्शन दिए, तो देखते हैं। इंटेलिजेंट CV सर्च कीजिए प्ले स्टोर पर। इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है और बिना नेट के भी ये काम कर लेता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्रिएट करना है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है ऐसे, और अब नया करेंगे। तो सबसे पहले आपको डालना है पर्सनल डिटेल में। सबसे पहले आता है आपका पूरा नाम, तो आपका पूरा नाम डाल दीजिएगा। और अभी आपको एड्रेस विद पूरा पिन कोड के साथ आपको एड्रेस डालना है यहाँ पर। आपका ईमेल आईडी ये डालना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन सब इस पे ही आएगी। और फोन नंबर, अगर आपने किसी, यहाँ पर आप फोटो भी डाल सकते हो अपने अगर आपको डालने हो तो रिज्यूम में, और सेव कीजिएगा। एजुकेशन डिटेल आपको आपके एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन से आपको स्टार्ट करना है, जैसे कि 10, बाद में 12 और फिर यूनिवर्सिटी लेवल। तो एजुकेशन वन में पहले शुरू करेंगे SSC से। तो आपने SSC कौन से स्कूल से या यूनिवर्सिटी की से वो डालना है, और आपको कितने परसेंट या ग्रेड मिले थे वो डालना है यहाँ पर, और आपने कौन से ईयर में पास आउट किया था वो भी यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आएगा, फिर आपको यहाँ पर 12 का फिलअप करना है, जैसे आपने इसका किया था 10 का। और अब ये आ गया आपका यूनिवर्सिटी का। अब जबकि आपका एजुकेशन हो गया है, तो आप एक्सपीरियंस पे जाके ऐड पे क्लिक कर देना। तो आपको एक्सपीरियंस है तो आपने किस कंपनी का नाम, वहाँ पर कौन से पोस्ट पे थे और कब से कब काम किया और कौन से स्किल्स के साथ आपने काम किया, ये यहाँ पर फिल कर देना। फिलहाल मैं तो कभी किसी कंपनी में जॉब नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पर फ्रेशर्स करके डाल सकता हूँ और सेव। अभी यहाँ पर स्किल्स, तो आप अपने हिसाब से स्किल लेवल सेट करके कौन से भी स्किल कौन से लेवल तक आप कर सकते हो ये यहाँ पर फिल कर दीजिए। जैसे मैंने रीडिंग लिखा यहाँ पर, तो मैं दिन में एक बार, दो बार या फिर दिन भर कैसे रीडिंग करता हूँ उसके हिसाब से यहाँ पर लेवल दिए है। उस लेवल पे मैं क्लिक करके सेव कर दूँगा। और आपका इस जॉब के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको चूज़ करना है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के बहुत से लिस्ट दिए हैं, इसमें से भी आप चूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपना खुद का बना के भी डाल सकते हो। अगर आपको किसी ने रेफरेंस किया है तो उसका नाम, जॉब टाइटल, ये सब आपको डालना होगा, और इसको सेव करके रख दीजिएगा। और अगर आपने इसके पहले किसी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया होगा तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो एडिशनल इंफॉर्मेशन में। मोर सेक्शन में यहाँ पर जाके आप अपना इंटरेस्ट ऐड कर सकते हो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। जैसे मेरा इंटरेस्ट फार्माकोलॉजी में है, तो मैंने उसे ऐड कर दिया इंटरेस्ट, ये यहाँ पर आ चुका है इंटरेस्ट। और अगर आपको और कुछ ऐड करना है, जैसे एक्टिविटीज़, अचीवमेंट एंड रिवॉर्ड्स, लैंग्वेज, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और अगर आपको आपके हिसाब से अगर कुछ ऊपर होना या नीचे होना, तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ से। और अभी देखते हैं
अपना सीवी कैसे बना। तो यहाँ पर इतने ऑप्शन है आपके पास, तो इसमें से आपको कौन से टाइप में अपना रिज्यूम होना वो आप देख सकते हो और उसको चूज करके बस डाउनलोड करना है सिंपली। और आपका रिव्यू बन गया, ये देखिए यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, स्किल्स है, इंटरेस्ट है, जो कुछ भी मैंने अभी तक सब आपको बताया इन्फॉर्मेशन वो सब यहाँ पर है। तो इस तरह से आप अपना सीवी बना सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करना ना भूलिए, बाय।